हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, रशियन रेवोल्यूशन टुडेज टॉपिक इज अ टर्बुलेंट टाइम, यानी ऐसा टाइम जो सोशलिज्म वहां पर रशिया में आ रहा था, एंड द 1905 रेवोल्यूशन का टाइम आ रहा था। स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस चैप्टर सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, यानी रशियन बिफोर जो पार्टीज थी बिफोर 1914, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय द सोशलिस्ट, यानी जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक रशियन सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की थी। स्टूडेंट्स, एंड देन इट सेट अप न्यूज़पेपर मोबिलाइज, यानी उससे बहुत ज़्यादा मतलब एक वर्कर्स पार्टी वहाँ पर सेटअप हो गई। अब वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, रशियन जो रेवोल्यूशन पीजेंट्स थे, वो अपना वहाँ पर जो बेस जो वर्क था उस वर्क के लिए बात कर रहे थे। आफ्टर दैट लेनिन एंड मेंशविक एंड बोल्शेविक। तो स्टूडेंट्स, अब वहाँ पर क्या था कि जो पार्टी थी, यानी जो स्ट्रेटजी थी, देखिए जो सोशलिस्ट थे जैसे बोल्शेविक थे मेजोरिटी में थे वहाँ पर, मेंशविक थे उनकी उतनी मेजोरिटी नहीं थी, बोल्शेविक के लीडर्स व्लादिमीर लेनिन थे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर टॉपिक है ये, तो देखिए रशियन को ऑटोक्रेसी कहती है, रशियन कहता है एक ऑटोक्रेसी थी। स्टूडेंट्स, वहाँ पर ऑटोक्रेसी थी, यानी जो वहाँ पर किंग्स वहाँ पर था, मतलब मोनार्की सिस्टम था। सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी इसे सार कहते हैं, जार भी कहते हैं दूसरे को। स्टूडेंट, तो सार वॉज नॉट, यानी इसे पार्लियामेंट में सब्जेक्टेड नहीं था। नेक्स्ट इज सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जो सोशल डेमोक्रेटिक थे एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, दे वर्क विद पीजेंट्स, किसके साथ वर्क कर रहे थे दोनों मिलकर, ये पीजेंट के साथ मिलकर वर्क कर रहे थे, एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1905, और जो वर्कर्स थे 1905 में स्टूडेंट्स, तो वो वर्कर्स ने क्या कि दे वर्कर्स इन 1905 दे डिमांडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और किसकी डिमांड करने लगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टूडेंट्स डिमांड करने लगे। एंड ऑल्सो द सम ऑफ द इन 1904, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे स्टूडेंट्स, तो द नेशनलिस्ट यानी जो एम्पायर सम एरिया ऑफ द यूरोपियन एम्पायर एंड अदर द मुस्लिम डोमिनेटेड जो जद्दीज थे। अब स्टूडेंट, जो जद्दीज थे, जो जदीदास थे, वो रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर में रिफॉर्म हुआ था वो, ये जो जद्दीज थे यहाँ पर स्टूडेंट्स, जदीदीज, तो हु वांटेड द मॉडर्नाइज इस्लाम, यानी इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे एंड अपनी खुद की सोसाइटी को लीड करना चाहते थे। अब जो क्रॉप्स थी, ये जो वहाँ के जो फूड आइटम्स थे, जो और सिस्टम थे, उनके जो प्राइस थे, असेंबल जो प्राइस थे वो हाई हो रहे थे क्विकली बेस था, यानी जो वहाँ पर जॉब करते थे वो लोग, उनके वर्किंग आवर्स बहुत सारे थे, जो परसेंट जो क्या कहते हैं उनकी कीमत थी, कॉस्ट थी, यानी वो जो प्राइसेस थे वो रोज बढ़ रहे थे, एंड क्विकली दैट रियल वेज डिक्लाइन 20%, और जो रियल वेज थी उनकी, जो दैनिक जो मजदूरी थी उसको, उसमें डिक्लाइनेशन किया जाने लगा। अब उसके साथ में स्टूडेंट्स, जब डिक्लाइनेशन हुआ 20% का, तो वर्कर्स यानी मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन उन्होंने बनाई, एसोसिएशन ड्रामेटिकली उन्होंने एसोसिएशन बना ली। अब उस एसोसिएशन के बनाने के साथ क्या किया कि फोर जो मेंबर्स थे ऑफ असेंबली, जो असेंबली बनाई थी उसके फोर मेंबर्स थे, तो रशियन वर्कर्स जो थे विच हैड बीन फॉर्मड इन 1904 का वर डिसमिस्ड एट द पुटिलो आयरन, जो पुटिलो आयरन था, जो वर्क था उसे डिसमिस्ड कर दिए, क्या कर दिए गए, वो इसे डिसमिस्ड कर दिए गए, और नेक्स्ट फ्यू डेज 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट टू स्ट्राइक, और इसी वजह से जो वर्कर्स थे वो कहाँ चले गए, वो स्ट्राइक पे चले गए स्टूडेंट्स, एंड दे वेंट टू स्ट्राइक, यानी जब वो स्ट्राइक पे चले गए तो वो
क्या किया जब देखिए बरकर जब स्ट्राइक पे गए तो जो फादर गैपन्स थे, फादर गैपन्स की लीडरशिप में वो लोग विंटर पैलेस जहाँ पर किंग्स का पैलेस है, जहाँ किंग्स का मतलब घर है, जहाँ रहते थे वो, तो जहाँ पर असेंबल होता था, तो वहाँ पर वो फादर गैपन की लीडरशिप में क्या हुए, उन्होंने विंटर पैलेस पे अटैक कर दिया। किसने मतलब विंटर पैलेस पहुंचे वो साइलेंटली अपना मांस निकाल रहे थे, मतलब जो प्राइस हाई हो रहे थे या जो अपनी बेच के लिए उन्होंने, तो जो वहां पर पुलिस थी, अब उस टाइम क्या था, जो जार था वो उस टाइम महल में नहीं था, अपने पैलेस में नहीं था जार की अब्सेंस में क्या किया कि जो वहां पर पुलिस थी और जो कोसाबा की जो आर्मी थी उनकी, उनने उन पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में क्या हुआ कि वहां पर जो पुलिस ने और जो कोसाबा थे उन्होंने कोसैक्स थे और पुलिस ने अटैक कर दिया, तो उसमें अबाउट 100 वर्कर्स की वहाँ पर डेथ हो गई थी और अबाउट 300 जो वर्कर्स थे वो बाउंडेड हो गए थे, यानी घायल हो गए थे। तो बहुत सारे वर्कर्स मारे गए, बहुत सारे वर्कर्स घायल हो गए। उसके बाद में और यही क्या था, अब संडे का दिन था, संडे का दिन था जब वो वहाँ विंटर पैलेस गए थे फादर गैपन की लीडरशिप में, इतने लोग मारे गए और बाउंडेड हो गए, तो वो ब्लडी संडे के नेम से जाना गया, क्योंकि जब लोग मारे गए तो खून बहाया गया, उनका ब्लड हुआ, तो उसी को हम ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। और सेंट उसके बाद में जब जो ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट, जार ने एक न्यू जो इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी, जो कंसल्टिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंसल्टिंग किया और एक ड्यूमा जो थी उसको क्रिएट कर दिया, ड्यूमा जिसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, उस पार्लियामेंट को कर दिया, वहां पर इलेक्ट कर दिया गया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।